सनातन मिश्रा फ्रॉम एमएस स्कूल। आज हम ग्रेड 4 हिंदी सब्जेक्ट में देखेंगे चैप्टर नंबर 6 साग सब्जी। साग सब्जी का गुजराती अर्थ होता है साग भाजी। तो हम अपने दैनिक आहार में जो सब्जियां खाते हैं वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होती है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें सब्जी अच्छी नहीं लगती, जैसे कि करेला की सब्जी होती है या लौकी की सब्जी होती है वो हमें अच्छी नहीं लगती, हमें तो सिर्फ आलू की सब्जी अच्छी लगती है। तो वो हर बार मम्मी को यही चीज करते रहते हैं कि मम्मी मुझे सिर्फ आलू की सब्जी बना कर दो। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें अपने दैनिक आहार में सभी प्रकार की सब्जियों का आहार लेना जरूरी होता है। जैसे कि जो हरे रंग की सब्जियाँ होती हैं उनमें से हमें विटामिन ए ज़्यादा मिलता है, जिसके कारण हमारे जो आँखों की रोशनी होती है वह बरकरार रहती है, वो कम होगी नहीं। अगर हम ऐसी हरी सब्जियाँ नहीं खाएंगे तो हमारे आँखों की रोशनी कम हो जाएगी और हमें फिर ऐनक पहनने पड़ेंगे, इसलिए हमें अपने दैनिक आहार में हरी सब्जियों का भी प्रयोग करना चाहिए। जो सब्जियाँ होती हैं उनमें से हमें विटामिन मिनरल्स जैसे तत्व मिलते हैं। आपने अलग अलग रंग की सब्जियाँ देखी होगी, जैसे कि लाल रंग की होती है, हरे रंग की होती है, पीले रंग की होती है। फिर आपने ऐसी सब्जियाँ देखी होगी जो छोटी होती है, बड़ी होती है, लंबी, गोल, अलग अलग आकार में आप उसको देखते हैं। तो हर एक प्रकार की सब्जियां हमें अपने आहार में लेनी चाहिए। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो जमीन के अंदर उगती हैं, तो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो जमीन के ऊपर होती हैं, कुछ सब्जियां पौधों पर उगती हैं, तो कुछ सब्जियां बेलों पर उगती हैं। तो आज हम सब्जियों के बारे में देखेंगे कि कौन सी सब्जी को हिंदी में क्या कहते हैं और उसका गुजराती अर्थ क्या होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे जो चित्र देख रहे हैं वो किसका चित्र है, वो किस सब्जी का चित्र है वो आप बता सकते हो मुझे? सही पहचाना, वह है मूली। मूली, मूली को हम गुजराती में कहेंगे मूरो। तो ये जो मूली होती है वह सफ़ेद रंग की होती है, उसके जो पत्ते होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, तो मूली को गुजराती में कहेंगे मूरो। अब आप जो आगे का चित्र देख रहे हो वह किसका चित्र है? सही बताया, यह है गाजर। गाजर को हम गुजराती में गाजर ही कहते हैं। गाजर लाल या केसरिया रंग के होते हैं और गाजर का हलवा भी बनता है। आपकी मम्मी भी बनाती होगी गाजर का हलवा और बच्चों को गाजर का हलवा बहुत प्रिय होता है ना? तो यह है गाजर, जिसको गुजराती में भी गाजर ही बोलते हैं। आगे का चित्र आप देखोगे तो वो किसका है? तो वह है आलू। आलू, आलू को हम गुजराती में क्या कहेंगे? बटाटा। यह जो आलू है वह जमीन के अंदर होते हैं। आपने देखा कि यह जो मूली है, गाजर है और ये आलू, तीनों जो सब्जियां हैं वो जमीन के अंदर होती है। आलू के चिप्स, चाट और जो सब्जी होती है वह बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगती होगी। तो आलू को हम गुजराती में कहेंगे बटाटा। फिर आगे का आप चित्र देखो तो वह किसका चित्र है? मटर। मटर, मटर को हम गुजराती में कहेंगे वटाण। तो ये जो मटर होते हैं वह हरे रंग के होते हैं, हम इसको चावल में भी डालकर पकाकर खा सकते हैं, तो मटर को हम गुजराती में कहेंगे वटाणा। अब आगे का जो चित्र है वह है बंद गोभी। बंद गोभी,
बंद गोभी को हम कहेंगे कॉबीज। बंद गोभी का गुजराती पद होगा कॉबीज। बंद गोभी को हम पत्ता गोभी भी कह सकते हैं। यह जो बंद गोभी है उसको हम पत्ता गोभी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पत्तों से बनी होती है। अगर उसके सारे पत्ते निकाल दिए जाए तो उसमें से कोई सब्जी निकलेगी नहीं, क्योंकि जो पत्ते हैं वही सब्जी है, उसका कचूमर सलाद आदि बनते हैं और ये हरे रंग की होती है। तो यह जो बंद गोभी है उसको हम गुजराती में कहते हैं कॉबीज। इसके बाद आप चित्र देखते हो तो वह किसका चित्र है, तो वह है फूल गोभी का। फूल गोभी को हम फूले वर्ग में, तो यह सफेद रंग का होता है और इसकी पत्तियां जो है वह हरे रंग की होती है। यह जो फूलगोभी है उसकी सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। इसके बाद आप जो चित्र देख रहे हो वह है लौकी का चित्र। तो यह जो लौकी है उसको हम गुजराती में कहते हैं दूधी। लौकी, लौकी का हलवा भी बनता है। लौकी हरे रंग की होती है और यह बेलों पर उगती है। यह जो बंद गोभी, फूल गोभी, मटर वो जो है सब्जी वह पौधों पर उगती है, जबकि ये लौकी है वह बेलों पर उगती है। लौकी भी हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके बाद आप आगे का जो चित्र देख रहे हो वह किसका चित्र है, तो वह है बैंगन। बैंगन को हम गुजराती में कहेंगे रींगण। बैंगन को हम कहेंगे रींगण। जो बैंगन की सब्जी होती है उसमें जो बैंगन होते हैं वह अलग अलग रंग के आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि काला और लंबा बैंगन होता है, फिर हरे रंग का भी बैंगन आता है और जामुनी रंग का भी बैंगन होता है। तो बैंगन को हम गुजराती में कहेंगे रींगण। उसके बाद आप चित्र देखो, ये कौन सी सब्जी आपको दिखाई दे रही है, सही पहचाना, यह है भिंडी। भिंडी को हम गुजराती में कहेंगे भिंडो। भिंडी हरे रंग की होती है और वो नाजुक मुलायम होती है, उसकी सब्जी सबको अच्छी लगती है। और यह जो भिंडी है वो भी हमें अपने आहार में लेनी चाहिए, तो भिंडी को हम कहेंगे गुजराती में भिंडो। उसके बाद आप चित्र देखो, यह किसकी सब्जी है, तो यह है टमाटर। टमाटर को हम कहेंगे गुजराती में टामेटो। तो जो टमाटर होते हैं वह लाल रंग के होते हैं, लेकिन जब वो पके टमाटर हो तब वो लाल रंग के होते हैं, लेकिन कच्चे टमाटर है वो हरे रंग के होते हैं। तो कुछ लोग कच्चे टमाटर की भी सब्जी बनाते हैं। यह जो पके टमाटर है वह हम सब्जी या दाल में डालकर उनका स्वाद बढ़ा सकते हैं। अगर हम टमाटर को सलाद या कचूमर में डालकर भी खाए तो हमारे शरीर के अंदर खून की बढ़ोतरी होगी। तो टमाटर को हम गुजराती में कहेंगे टामेटो। उसके बाद आप सब्जी देखो, तो ये कौन सी सब्जी दिखाई दे रही है आपको, तो यह है मिर्च। मिर्च को हम गुजराती में कहेंगे मरचू। तो कोई भी सब्जी हो या दाल हो तो उसके अंदर हम मिर्च को डालते ही हैं। तो यह
मिर्च जो है वो हरे रंग की होती है। जब यह पक जाती है तो उसका हम पाउडर बनाकर भी उपयोग करते हैं। तो मिर्च को हम गुजराती में कहेंगे मरचू। उसके बाद आप देखो तो यह किसका चित्र आपको दिखाई दे रहा है, तो वह है करेला। इसको गुजराती में कहेंगे करेला। तो यह जो करेला होता है वह हरे रंग का होता है और उसका स्वाद कड़वा होता है, लेकिन बच्चों को वो अच्छा नहीं लगता। पर हमें करेले की सब्जी खानी चाहिए। जिसको बुखार है और मधुप्रमेह जैसी बीमारियां है तो उनके लिए ये जो करेला है वह बहुत फायदाकारक होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने हिंदी में सब्जियों को क्या बोलते हैं और गुजराती में उसका क्या अर्थ होता है वह देखा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। मूली, उसको हम गुजराती में कहेंगे मूरो, वह जमीन के अंदर उगती है। गाजर, उसको हम गुजराती में कहेंगे गाजर, यह भी जमीन के अंदर उगता है। आलू, उसको हम गुजराती में कहेंगे बटाटा, यह आलू जो है वह भी जमीन के अंदर ही उगता है। मटर, इसको हम कहेंगे फटाना, यह पौधों पर उगता है। बंद गोभी, इसको हम गुजराती में कहेंगे कोबीज, तो बंद गोभी भी पौधों पर ही उगती है। फिर फूल गोभी, फूल गोभी को हम गुजराती में कहेंगे फूलेवर, तो यह सब्जी भी पौधों पर ही उगती है। लौकी, लौकी को हम गुजराती में कहेंगे दूधी, तो जो लौकी है वह बेलों पर उगती है। बैंगन, उसको हम गुजराती में कहेंगे रींगण, और जो बैंगन है वह पौधों पर उगता है। भिंडी, उसको हम गुजराती में कहेंगे भिंडो, तो ये भिंडी जो सब्जी है वह भी पौधों पर उगती है। टमाटर, उसको हम गुजराती में कहेंगे टामेटो, और जो टमाटर है यह सब्जी भी पौधों पर उगती है। मिर्च, मिर्च को हम गुजराती में कहेंगे मरचू, और यह जो मिर्च है वह भी पौधों पर उगती है। करेला, उसको हम कहेंगे कारेलो, तो जो करेले की सब्जी है वह बेलों पर उगती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने जो यह सब सात सब्जियों को हिंदी में और गुजराती में क्या कहते हैं वह देखा। इसके अलावा उसके और भी जो गुण हैं वो भी हमने देखे। मैं आशा रखूंगी कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।